अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है हमारी बरवक्त ऐप के ऊपर है, ठीक है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं देख लें, ये ना हो कि बाद में आपको परेशानी बने। इस एप्लीकेशन से लोन लिया गया था 22/5/2000 जो है वो 22/5/2022 को 4500 रुपये का लोन, ठीक है। अभी चल रहा है 7/5/2022, ठीक है, यानी कि इस वक्त चल रहा है 6वां महीना है और 14 तारीख है आज की, और 2022 है। ये कितने बन गए आप खुद कैलकुलेशन कर लें, ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2 मार्क बनते हैं, ठीक है। तो इन दिनों में जो इस वक्त इसके ऊपर कह लें कि सूद पड़ा है वो जनाब कोई 5430 का पड़ चुका है, ठीक है। अभी भी आगे कितना पड़ेगा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे इनकी कुछ पर्सनल इन्फो में या फिर होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ये देखें, ठीक है, ये इनकी आईडीज़ हैं, ठीक है। तो अभी भी जो है वो लास्ट डेट इन्हें 7/5/2022, ठीक है, यानी कि और उसके बाद फिर 3470 रुपये जो इस पर टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री इसकी चेक कर लें, कोई हिस्ट्री नहीं इन्होंने छोड़ी, हिस्ट्री वगैरह सारी क्लीन है। अब मैं आपको जिस ये एप्लीकेशन में लेके आए हैं लोन, ठीक है, ये देखें लास्ट में जो है वो 64 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अकाउंट है जो लास्ट में 64 वाला, ठीक है, इसकी हिस्ट्री दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को ज़रा समझ आ जाए कि बना क्या है, ठीक है। बकाया बाद में खुल के भी करता हूँ आप लोगों को। तो ये अब आपने अपनी मर्जी से फैसला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख लें इसकी जो लास्ट है 9वां डेट, जिस दिन ये अकाउंट बना उसी दिन जो है वो इसी मकसद के लिए बनाया गया कि चलें इसमें से पेमेंट आ जाए। तो ये देखें जी उनकी रिसीव आईडी है, ठीक है, ये डेट चेक कर लें 23 अप्रैल 2022, ठीक हो गया। आज कितनी होगी, अप्रैल, मई और जून, यानी कि ये 4500 रुपये का लोन लिया था। अभी जो जून है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इस पर सूद आ चुका है वो 10500, यानी कि 4500 बीच में से निकाल दें तो आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना इस पर अभी सूद जो है वो लग चुका है। अगर एक गरीब बंदा यार लोन ले रहा है, किसी मजबूरी के तहत ले रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा इस पर जो सूद है वो नहीं होता जिस हिसाब से इन्होंने लगाया है। और कोई भी इनकी अगर एप्लीकेशन चेक की जाए वहाँ पर कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं बताई गई कि आपको ये काम करना होगा या ये डिटेल करनी होगी, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सिंपल सी इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक नोटिस चिपका कर दिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बकाया कोई अपनी इन्होंने वो नहीं बताया कि इसका लेने का क्या हिसाब था है, देने का क्या हिसाब था है, ठीक है। फ़ोन पर सारी डिटेल क्लियर प्रॉक्सी ये लें, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन इस तरीके से बनाई गई है क्योंकि अगर कोई बंदा यूज़ करता भी है तो इसको इतनी परेशानी ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसे पता हो कि यहाँ से हमने जो है वो लोन लेना है और साथ में ये इनकी जो सर्विस है, ठीक है, उसके बारे में ये लें, बात कर लें, ठीक है, कॉल कर लें, और इसके अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। टैक्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर गवर्नमेंट से भी ऊपर के हैं, सूद है इस पर गवर्नमेंट से भी ऊपर का है, ठीक है। अब यार ये अगर किसी गरीब बंदे ने ले लिए इनसे 4500 रुपये लोन में तो ऊपर इनके जो है वो एक देख लें कि सूद इनका कितना पड़ चुका है। यार इस तरीके से तो निज़ाम नहीं चलेगा, ये तो गरीब बंदा जो है सारी ज़िंदगी भी नहीं उतार सकेगा जिस तरीके से इनका पड़ रहा है, ठीक है। आगे उन्होंने फिर एक्सपायरी डेट दी हुई है, ठीक है। अब ये 10500 है, इसके ऊपर जितना सूद पड़ेगा वो इसको पे करना होगा। अगर वो ना कर पाया तो फिर आगे और पड़ जाएगा जिस महीने इसकी छुट्टी होगी लोन देने से। ये सारी ज़िंदगी जो है इसका कर्ज़ा नहीं उतार सकेगा जिस हिसाब से इन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है। तो अब आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है, मेरा काम था आप लोगों को दिखाना, ठीक है। अब जो करना चाहता है भाई अपनी ज़िम्मेदारी पे कर लें, जो नहीं करना चाहता जिसको समझ आ गई बात की वो अपनी मर्ज़ी कर लें। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।